गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिस 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बजने वाले हैं सुबह के 7, सो गाइस गुड मॉर्निंग। और वैसे तो 7 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट करी क्योंकि मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं। अब बस मैं चाय पानी पी रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। बस चाय पानी पी रहे हैं, बाकी हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा जब तक हमारे यहाँ पूजा नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब गणपति जी स्थापित नहीं हो जाते, सब पूजा नहीं हो जाती, उसके बाद ही हम खाना पीना जो भी खाया जाएगा वो बाद में ही होगा। तो सो गाइस मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आपको भी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। होप सो मैं आपको सब चीज़ें दिखा पाऊँ क्योंकि जब हम गणपति जी ला रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, उस टाइम ब्लॉग कौन शूट करेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे यहाँ गणपति आ रहे। होप सो कि सब अच्छा अच्छा हो, सबकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो और ब्लेसिंग्स बनाए रहें सबके ऊपर गणपति जी। और वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी, झाड़ पोछा किया, पूजा की, ऊपर नीचे पूजा की, मम्मी ने अपने काम किए, खाना वाना की तैयारी जो करनी थी वो किए क्योंकि हमारे यहाँ पूजा सुबह 9 बजे सबको बोला गया है। मम्मी मूर्ति लाएंगी और फिर हम उधर से नाचते गाचते वेलकम करते हुए आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस चलिए चाय पानी पी लेते हैं, मतलब पानी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गर्म पानी मैं रोज़ पीती हूँ और चाय, बस चाय पीनी है। चलिए मैं आपको सनराइज़ दिखाती हूँ। मेरी छज्जे पे मतलब सामने से धूप पड़ती है और लेकिन जब मैं पूजा करने गई थी तब धूप नहीं निकली थी। मैं दिखाती हूँ सनराइज़ हो रहा है, वो देख रहे हैं आप, उसी जगह से रोशनी आ रही है। अब पूरा निकलने वाला है तो मेरे यहाँ छज्जे में पूरी धूप हो जाती है, ये देखिए दिख भी रहा है। तो चलिए गाइस अभी आपसे मिलते हैं कुछ देर में। और आपको हाँ सॉरी गाइस, मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई, नहीं तो मैं आपको पूजा की सारी तैयारियां दिखाती, बट हमारा पूजा का जो डेकोरेशन हो चुका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने मोदक बना लिए थे जब मैं बाहर थी, तभी बना लिए थे, तो बहुत सारी तैयारी मम्मी ने कर ली थी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ओके आते हैं आपको, उससे पहले साउंड ऑफ करवा देते क्योंकि कॉपीराइट बहुत जल्दी आ जाता है। पूजा की तैयारी हो रही है, मम्मी तैयारी करते हुए, मम्मी खाना बना चुकी हैं सुबह सुबह उठ के। मम्मी कितने बजे उठी तुम? 4:15 बजे उठी थी। और उसे हमको, और ये टांगे फैला के ये मछली जैसा ही फैला रहता हमेशा, और ये कुछ बना रहा है, कुछ बन जाए तो जानो। गाइज ये है डेकोरेशन, आप देख सकते हैं और बहुत सुंदर हो गया है। ये ऊपर का देख लीजिए, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है। तो ये जो बना रहा है फाइनली वो बन जाए तो अच्छी बात है। तो गाइस हमारी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ ही देर में पूजा होगी। उठ के बनाना, मम्मी पूजा की तैयारी करते हैं। रेडी हो गई हूँ और सिंपल रेडी हुई, जैसे रेडी होती हूँ आपको पता है, गेट रेडी तो बनाया ही है मैंने। तो मैंने मराठी साड़ी पहनी है, अब फुल आपको कैसे दिखाऊँ, वैसे दिखाऊँगी बैक कैमरा करके, तो अगर कोई कर देता है तो मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने ट्राई की है फ़र्स्ट टाइम खुद से, मतलब फ़र्स्ट टाइम शिवानी ने मेरी हेल्प की है। शिवानी आ गई थी, थैंक यू यार शिवानी, बहुत जल्दी तुम आ गई, मेरा हेल्प कर दिया बहुत। अब चलिए गाइस जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर मूर्ति आने का टाइम हो गया। लेने के लिए शिवानी है, पीछे हमारी मौसी जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब लोगों को दिक्कत हो जाती है थोड़ी, तो इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है। शिवानी भी साइड हो रही है, अब क्या करें। तो चलिए चलते हैं मूर्ति लेने के लिए। मम्मी मम्मा घर गेट पर, मतलब जहाँ हमारा घर है उससे कुछ दूरी पर, चलिए चलते हैं। चढ़ा भी पड़ता है, इग्नोर करें इसको और चलिए चलते हैं। मम्मी मूर्ति लेके बैठी हैं, हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं। बैंड वाले आ जाए हमारे, तो भांगड़े वाले, और वो है गाँव घाट, आप लोग पूछते रहते हो। ये देखो गाँव घाट, यहीं रहते हैं हम, बस यहाँ से कुछ दूरी पर। कम करने के लिए रेडी हो चुके हैं हमारे बैंड वाले भैया, पता नहीं कहाँ रह गए। मम्मी भी रेडी हैं बहुत देर से, और देखिए कब आते हैं। और ये हमारी मौसी जी, उनकी पूरी फैमिली, वेलकम की तैयारी में है। तो चलिए तैयारी करके चलते हैं पापा को घर, और बस चलते हैं। वेलकम करने के लिए रेडी हो चुके हैं हम, चलिए मिलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा मुंडी मोरिया। Oh,
चुके हैं और बस वेलकम करना है इनका। मोदक स्वीट मैंने मम्मी पूजा कर रही है और मूर्ति भी मेरी ऊपर नहीं, हम आपको दिखाएंगे पक्का चेहरा दिखाने जा रहे हैं। चलिए शीशे में दिखाते हैं, सुंदर सा क्यूट सा, मैंने खुद भी नहीं देखा ऐसे दिखाया ना उल्टा। लो बनाओ यार, इधर से हम दिखा रहे हैं, एक हाथ से होता नहीं है। वो प्यारे तो हैं यार, बहुत क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। और हमारे एक गणपति रखे हुए हैं, आपको पता ही है, पंडित जी बोल रहे दूसरे नहीं रख सकते तो कुछ नहीं कर सकते। बट आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे गणपति कैसे लग रहे हैं। और मैं इसमें जो ब्लॉग में थोड़ा बहुत चिल्ला रही हूँ वो एडजस्ट कर लेना, मेरा माँ जब मैं बहुत परेशान होती तो हाइपर हो जाती हूँ, बताने के लिए। और ये हमारे गणपति जी को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, जलाओ गणपति बप्पा मोरिया, 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 मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये पता है इससे इससे ये हाथ है ना, इसे ऐसे डाल हो जाएगा। अरे बहुत ही साफ और क्या, ये पीछे से बांध दो, ये पीछे से बांध लो, दुपट्टा पहनाओ, मंगलम इसी पे रखो और ये वाला डालो ऊपर से पहनाओ, ये भी पहनाओ। हाँ ये दोनों ले लो, गले से इधर निकाल दो, गले से ऊपर से डालना, लेकिन वैसे जाए। ओम सीता पूजार्थम समर्पयामि सर्वे संतु निरामया सर्वप्राणमापय, कनि करो पूजार्थम समर्पयामि माता पिता गुरु नावहि माता प्रातः काल उठ के रघुनाथा से आराम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाने गणपति सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। पंडित जी अगर पहले से मुकुट पहने हैं तो फिर मुकुट की क्या जरूरत है, पहने हैं तो अब ले आए हो तो फिर रखा। हाँ बताइए, थोड़ा सा ये चुन्नी हल्की यही लगेगा, आंख ढक गई। हाँ बस ठीक है, ठीक चलिए। और ये अच्छा डाल दो अपने पास, अपने ऊपर पाण ग्रह ये दो में रखो थोड़ी गुरुवांग मंगल प्रसाद ग्रहण परमेश्वर ये वस्त्र रख दो यहाँ पर इसी जगह पूजार्थम समर्पयामि मंगल। पंखा का है ना खोल, इससे इससे लगता है। ओम स्वस्ति निंद्रो सभा स्वस्ति ना पुषा विश्वेता स्वस्ति नो अरिष्टि नेमो बृहस्पति दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः। ओम गोत्र उत्पन्न अपन नाम ले भैया, अपना नाम ले कला आयुष नाम हम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता गया सकल दोष परिहार प्रसूत स्मृत प्राणोक्त फल प्राप्त श्री परमेश्वर दत्तम ग्रहण परमेश्वर ही हाथ लगा लियो वस्त्र पर समर्पयामि। कलश पर है पहना दे उधर मंदिर में रख कर दे, और यहाँ कलश पर ही कलश पर देखो फूल है, फूल धरो ना उधर धरो दोनों कलशन पर पुष्पम समर्पयामि पुष्पालम समर्पयामि। समी की पत्नी है, समी की हाँ। अरे समी की पत्नी ले आओ, ओम समी समर सिंदूरम समर्पयामि। अच्छा छोड़ दो, ये देखो जनेऊ रखे हैं, जनेऊ ऊपर चढ़ा रख दो, ठीक है। ओम दीपम समर्पयामि चावल छोड़ दो, आभूषणम समर्पयामि।
कहा था मम्मी साड़ी पहन के ही जाओ लेट के आओ, सूट साड़ी चेंज नहीं कर पाओगी, वक्त नहीं होता इतना। गाइस मम्मी पूजा कर रहे हैं और मम्मी साड़ी भी नहीं चेंज कर पाई। आप लोग कहेंगे खुद तो तैयार हो जाती है, यही कहेंगे। और मम्मी ऐसे तो क्या करें, मम्मी से तो हमने पहले ही कहा था, मम्मी और सब ऐसे ही होते हैं, क्या कर सकते हैं हम। पंडित जी बहुत जल्दी में थे, पंडित जी की दूसरी जगह बहुत जल्दी में थे। मोदक का बिल्कुल खराब हो चुका है देने के लिए, ये सब फल फ्रूट और ये संधा मिर्च है थोड़ा सा। गाइस आप लोग प्रसाद में दिखा नहीं पाई सॉरी, बट जो भी प्रसाद है आप लोग फील कर लीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए। इसका देखिए शक्ल कितना ख़राब आ रहा, मेरा तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं दिखा ही नहीं रही। गाइस कैसी मेरी शक्ल हो गई, पसीना एकदम। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही लफ्ज़ों में। लफ्ज़ कहाँ पे होते हैं, मेरी ज़बान बहुत चलती है ये आप तो जानते ही हैं, इसलिए मम्मी पापा से डांटा भी। पूरी दुनिया जानती है कि मेरी ज़बान बहुत चलती है, लेकिन सही के लिए चलती हमेशा। तो गाइस शिवानी प्रसाद खा रही है, इसने बहुत हेल्प की हमारी, थैंक यू। और घर प्रसाद जरूर ले जाना, क्योंकि मम्मी पापा सबके लिए ले जाना, ठीक। शिवानी जा रही है क्योंकि उसको लेट हो रहा है, खाना नहीं खाया है, ये हमेशा याद रखना। जब हम तुम्हारे घर आएंगे कोई फंक्शन करोगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। ये प्रसाद खा के जा रही है, तो बस उतना ही, जितना जो करता है उसके साथ उतना ही होता है, तो ठीक है। गाइस चलिए मिलते, चलिए पूड़ी बनाते चल के, फिर आपको मिलते, बाय। ये बड़ी माता आई हैं, कुछ खाने पीने आई होगी, क्या कर सकते हैं इसका। गाइस पूड़ी बनने जा रही है, छोला और सब्जी बन चुकी थी, पूड़ी अब बनने जा रही, थक चुके हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, मम्मी भी थक गए, पर खाना तो बनाना ही है, भूख भी लग रहा है। चलिए गाइस खाना बना लेते, उसके बाद आपको मिलते हैं, खाने के वक्त मिलेंगे। अब हम आपको कुछ नहीं दिखाएंगे थोड़ी देर, हमारा भोग बन चुका है भैया। सो गाइस पापा का भोग रेडी हो चुका है, जैसे मटर आलू की सब्जी है, छोला है, पूड़ी है। तो हमारे पापा इतने क्यूट से बैठे हैं, अब इनको भोग लगाएंगे हम। पापा भैया भोजन करिए, पापा कहाँ रखे हैं आपका भोजन, है घंटी वंटी लाओ, मम्मी कहता घंटी बजाइयो। पापा ये आपका भोजन, आप तो रोज ही खाएंगे सुबह शाम, खूब भोजन खाएंगे हैं, साथ में बढ़िया बढ़िया चीजें पकाओ। एंड गॉड से प्रे। खाना बन चुका है, छोला जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। चलिए खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए के प्रसाद। और मम्मी का मूड थोड़ा सा ख़राब है, क्या बोले, कुछ गेस्ट ज़्यादा थक चुके हैं इसलिए सब सो रहे हैं, मम्मी भी लेटी है, ये भी सो रहा है, लेकिन हमारे घर में काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अभी करेंगे। वो पानी की प्रॉब्लम अलग, हमने आपको बताना भूल गए, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, बाहर से पानी भरना पड़ा, बड़ी दिक्कत है। सो गाइस सब बहुत थक चुके हैं, मैं भी लेटी थी, मैं उठ गई हूँ, इसने आके अचानक जगा दिया, फिर मैं उड़ गई। बहुत थक गए, आपको दिखा रहे, बताओ जमाए, बहुत थक गए, बहुत काम बाकी है घर में, बहुत काम, पानी की प्रॉब्लम अलग, अभी हम आपको दिखाएंगे।
मौसी हमारे ऊपर सो रही, कमरे में सब सो रहे, आगे भी मेहमान लेटे हैं बैठे, हम आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। और बाकी भांगड़ा हमने किया, डांस अभी नहीं आता बट जो हमने किया उसके क्लिप शेयर करेंगे तो आप जरूर देखें। प्यार बनाना, प्यार बनाए रखना, और पापा के दर्शन आपने किए ही होंगे, कितने क्यूट हैं वो। गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। किचन की हालात है क्योंकि पानी ना होने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पानी आ जाए शाम तक हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें सही हो जाएँ, क्योंकि नहीं भी तब भी मैं तो करना ही बहुत फैला पड़ा। बस मैं चाय बनाने आई हूँ, मेहमान आए हैं, चाय तो बना ही दूँ शाम की, फिर चाय वाय पी के शायद सब निकल जाएंगे, उसके बाद घर के काम करते हैं, फिर शाम की पूजा करते हैं और आपको दिखाते हैं, चाय बना लेते हैं। पैसे इकट्ठे करते हुए और इनको इसमें नई नोटें मिल गई जो कि ये कखनी सोच रही है। इनके पूजा हो गई हमारी, आप ये देख लीजिए भोग लगा था मोदक का, भूल गई आपको दिखाना। मुझे क्यों लगने वाला ये हैंग करेगा, सब देखने वाले हैं और ये सब डांस करने वाले हैं, डांस करेंगे। अभी म्यूजिक बज जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा तो म्यूजिक बंद कर लेंगे। हाँ हाँ, हम सोच रहे हैं नहीं से डांस क्लास ले ले यार। ये पप्पा का भोग रेडी हो चुका है, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और जो कुछ भी खाना मतलब बचा हुआ है वो तो हम लोग खा लेंगे, लेकिन पप्पा नहीं खा सकते ना, वो रखा हुआ थोड़े भूख लगा सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो कुछ भी बनेगा खाने में, सुबह शाम दोपहर जो कुछ भी बनेगा हम खाएंगे, वो सब पप्पा को भोग लगेगा। तो मैंने बनाए थे चावल और उसमें मैंने चीनी डाल के दूध डाल के ये भोग तैयार कर दिया, तो चलिए पप्पा को लगाते हैं चल के, मतलब उनके सामने रख लेंगे, वो उनसे कहेंगे खाओ तो खा लेंगे। अंधेरा हो रखा है, मतलब पप्पा की लाइट जल रही है और रात में कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता है, मतलब आप तो जानते हैं लाइटिंग का होता है तो रात में ही अच्छा लगेगा। ये हमारे पप्पा और ये हमारा भूखा। खाना, भोजन करिए पप्पा, भोजन करिए, खाइए और फिर खाने के बाद सो जाइए। क्या पानी भी रखूँ? पानी भी रखना पड़ेगा ना। हाँ ले आती हूँ मैं पानी, भुलक्कड़ मैं। पापा खाइए आप और सो जाइए, उसके बाद खाने के बाद मैं पानी लाती हूँ। हाँ मैंने भोग रख दिया है, पानी भी रख दिया है, मैं भूल गई थी। और अब हम पापा को गुड नाइट बोलेंगे और पापा सोएंगे, अब सो जाइएगा हाँ अच्छे से। और आयुष यहाँ सोएगा क्योंकि पापा को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, तो आयुष यहाँ सोएगा अभी आके। ओके गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में गुड नाइट के साथ। तो गाइस मटर आलू की सब्ज़ी, चावल, चावल अभी बनाया, सब्ज़ी दिन की रखी है, मम्मी खाना खाते हुए। आर्यन सो गया, नहीं खाया खाना, थक गया था बहुत, लेकिन वो किस चीज़। खाना पीना हो गया हमारा और मैं अब जा रही थोड़ा सा ताला वाला लगा के सोने जा रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हम। सब ने बहुत काम किया है, सब ने अपने अपने जगह पे बहुत काम किया है और सब बहुत थक गए हैं। मम्मी कुछ ज़्यादा थक गई हैं तो सब सोने जा रहे हैं। वैसे कल इन लोगों का स्कूल भी इन लोगों को जाना है। और हो गया सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पापा का वेलकम हो गया, अब उनकी 10 दिन सेवा करनी है। 10 दिन क्या, हमें तो मतलब पापा इस चीज़ से खुश हो जाते हैं। पापा कभी नहीं कहते कि आप मेरे लिए करो, आप 10 दिन मेरे लिए पूजा करो, 10 दिन सारी सेवा वेवा कर दो, ऐसा नहीं होता। आप पूरे साल पूरी ज़िंदगी किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, हर जीव जंतु हर चीज़ में भगवान का वास होता है। तो अगर आपको जितना मौका मिल सके आप लोगों की मदद करो, भूखों को खाना खिला दो, अगर आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है उस चीज़ की तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। इससे पप्पा प्रसन्न हो जाते हैं। और 10 दिन पूजा पाठ सेवा भाव हमेशा करो ना। तो मैं ये कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ जैसा कुछ होता है, जैसा हमारे भगवान हमसे चाहते हैं। तो हमसे जितना हो पाया हमने किया, हमसे कोई भूल हो गई हो तो पप्पा हमें माफ़ कर देंगे। होप्स अपना अपना बच्चा समझ के, बच्चे ही तो हैं उनके आगे हम सब।
तो सब बहुत अच्छे से हो गया। आप पूरा ब्लॉग चेकआउट करना, जैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताना, और गुड नाइट गणपति बप्पा मोरिया, जय बाबा की।